ओए शेरू क्या हाल है सर? ठीक, वॉक हो गई सर? वॉक हो गई, थके हैं, गर्मी है। आजकल वॉक ज्यादा जो है ना आप नहीं कर सकते, वॉक ज्यादा नहीं हो सकती, स्वेटिंग बहुत ज्यादा है right. और इट्स हॉट सर। ये सराइकी सूबे का क्या है जो बन रहा था? सराइकी सूबा मीन साउथ पंजाब। ये 2019 में जब पीटीआई की हुकूमत थी पंजाब में और सेंटर में, तो गुजदार चीफ मिनिस्टर, तो उस वक्त ये हुआ कि साउथ पंजाब और इसका सेक्रेटेरिएट बना कुछ महकमे बहावलपुर। पहले तो जब ये जो सराइकी साउथ पंजाब सूबा हुआ तो बहावलपुर ने कहा कि जी हम सूबा थे। बहरहाल थिंग्स सेटल डाउन, तो सेक्रेटरी आ गए, सेक्रेटेरिएट बनना शुरू किया, कुछ डिपार्टमेंट इधर कुछ इधर, तो लगता था कि सूबा बनेगा। हालांकि हमने तो उस वक्त कहा था कि ये ट्रांस सूबा हमें लगता है, बट एनी हाउ, लेकिन अब लगता है कि ये सूबा जो है ना, मुझे तो लग, हालांकि मैं स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि साउथ पंजाब एज ए सूबा बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में शेरू एक सूबे बन जाते आज़ादी के बाद और एक लोकल बॉडी सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता, ये मुल्क तरक्की करता, ऊपर आता। एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ने कहा था अगर उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के दो सूबे होते तो ये 70 वाला जो था डिवीज़न ना होती, जो सिविल वार हुई और इतनी बड़ी सरेंडर हुई और ब्लड शेड ना होता। सूबे बनने चाहिए। मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 17 सूबे थे, छोटे बड़े, एजेंटू गवर्नर जनरल चीफ कमिश्नर। उन 17 में 11 इंडिया को मिले, 3 पाकिस्तान को मिले, बलोचिस्तान, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा। 3 की डिवीज़न हुई, पंजाब 2 सूबे, बंगाल 2 और आसाम की डिवीज़न हुई। अब इंडिया में 28 सूबे हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज, और इंडिया ने फिर, क्रेडिट गोज टू पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, वहाँ 564 स्टेट्स थी, उसमें 7, 8, 10 हमारे हिस्से में आई, बहावलपुर, स्वात, धीर ज़्यादा उधर थी, उन्होंने वो रीऑर्गेनाइज की। 2000 के बाद सूबा नहीं बना, लेकिन 28 सूबे हैं इंडिया में, हमारे वही हैं। हाँ, इंडिया में एक सूबा, एक स्टेट जो सूबा है, वहाँ सूबे को स्टेट कहते हैं, वो कम हुआ 29 से 28, चूँकि कश्मीर को उन्होंने यूनियन टेरिटरी 2 हिस्से करके, जो काफ़ी शोर हुआ, नहीं होना चाहिए था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, बट उनके, हमारे वही बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब पख्तूनख्वा, अब जो गिलगत है वो भी हाफ बैक के एक डिफेक्टो सूबा, सूबे बनने चाहिए थे। और ये जो पंजाब की मोनोपोली है या जो पंजाब डोमिनेंट सूबा, मेन हर्डल वही है, सूबे बनने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, दुनिया में कहीं भी बना है, एथनिक, लिंगुअल, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल, कम ज़्यादा ज्योग्राफिकल, एथनिक, लिंगुअल, ये ज़्यादा होता है। अब नहीं हुए साउथ पंजाब में ये चारों चीज़ें हैं, एथनिक, लिंगुअल, रीजनल
ज्योग्राफिकल, ये चारों चीज़ें हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है साउथ पंजाब। और सूबे बनने चाहिए थे, बलोचिस्तान में 3, पख्तूनख्वा में 2। देखें, पख्तूनख्वा का नाम चेंज नहीं हो रहा था, कहते मुल्क टूट जाएगा, पाकिस्तान को ख़तरा है और सरायकी वर्सेस पठान लड़ जाएंगे। कुछ हुआ नहीं कंस्ट्रक्टिवली, तो ज़्यादा एक नाम मिल गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। मुझे एरिजोना में 3 दफ़ा ये एक स्टूडेंट और प्रोफेसर ने पूछा था कि व्हाट डू मीन बाय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो सूबे बनने चाहिए थे और साउथ पंजाब, सरायकी बेल्ट बहुत बड़ा बेल्ट है और निगलेक्टेड है। मैं एज ए वीसी रहा, बिजी हूँ, तो मैंने काफ़ी ट्रेवल किया है, ये भारती ये जिधर बुजदार था। आप यकीन करें, जो पंजाब का बलोच बेल्ट है वो बलोचिस्तान के रिमोट इलाके जो बलोच हैं उससे ज़्यादा बैकवर्ड है और बनना चाहिए था। तो ये शेरू, आपको आज सरायकी सूबा कैसे याद आ गया? सर मरियम नवाज की हुकूमत है, मैंने कहा सर से पूछ लूं। मरियम नवाज की जो हुकूमत है ना, मरियम नवाज डूइंग गुड, अपने जो 100 दिन कोई प्रोग्रेस मेजरमेंट नहीं है, बट शी इज होपफुल डूइंग गुड, और अल्लाह करे कि कुछ वेलफेयर करे। लेकिन साउथ पंजाब सूबे के लिए जो है ना प्रमोशन, वो इनके हाथों से नहीं होनी। साउथ पंजाब सूबा जो बनेगा ना, तो मोनोपोली पंजाब की टूटेगी। और अब तो मैंने सुना है वो सेक्रेटरी बुला लिए, स्पेशल सेक्रेटरी रह गए हैं, सुना मैंने ऐसे। मैं तो अब खत आ गया हूँ मुल्तान से। और दूसरी बात ये है कि ये जो तख्त लाहौर है ना, और ये लोग हैं साउथ पंजाब, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। अल्लाह करे हो मैं गलत हूँ, बट इस मुल्क की सियासत को मैं जानता हूँ। और दूसरी बात यह कि वेलफेयर कॉन्सेप्ट है, जब सूबे बनेंगे ना या लोकल बॉडी सिस्टम प्रमोट होता तो वेलफेयर होता, अवाम की एक्सेस जो है वो अब लाहौर नहीं आएगा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं वहाँ था, ज़्यादा पावर सेक्रेटरीज के पास थी लाहौर में, और वो शेयर भी नहीं करने चाहते थे। एक दफ़ा मुझे साउथ पंजाब के सेक्रेटरी ने कहा, बड़ा आजकल सुना सेक्रेटरी है, बड़ा स्मार्ट एहतशाम साहब, कि मैं सिंडिकेट की मीटिंग अटेंड करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, बट मैंने HED लाहौर से पूछा, उसने कहा नो वे इट्स नॉट, बड़ा एग्रेसिव हुआ गुस्से। तो पावर शेयरिंग जो है वो जमहूरियत में होनी चाहिए, लेकिन पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसको प्रमोट दिल से बहुत कम लोग करते हैं। हर शख्स कहता है मी पावरफुल, मी एब्सोल्यूट। ये जमहूरियत क्यों अच्छा सिस्टम है, कि वहाँ पावर शेयरिंग होती है, पावर में ट्रांजिशन होती है। हालांकि यहाँ 1-2 फैमिलीज ने सारी पावर अपने हाथ में रखी है। जमहूरियत आएगी तो पावर उनको मिलेंगी, जमहूरियत इसलिए नहीं होती, ये बड़ा तल्ख सच है। बट एनी हाउ, इस मुल्क में सूबे बनने चाहिए, काश के ये बनते पहले। अक्रॉस द बॉर्डर 28 है हमारे, वही है। और बट एनी हाउ शेरू, मैं चाहता हूँ, मैं तो आप पठान, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं तो सरायकी बैचवाइस लेना, मेरी जेरी सरायकी है वो पश्तो कोल कम नहीं। मैं जो सरायकी अलावा तो लोग अगदन सरायकी स्पीकिंग है। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि साउथ पंजाब सूबा बढ़े, तो ये जरा सरायकी बेल्ट है उत्ते आवे, प्रमोट थी वे, तो वो सूबा बढ़ सी, इन्हें को फायदा है।